नमस्कार दोस्तों, आज हम पशु के बछड़े में होने वाले पेट का मोटापा यानी कि बछड़े का पेट बड़ा हो जाना और शरीर कमज़ोर हो जाना, ये इस बीमारी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये दिक्कत हमारे देश में हर एक बाड़े में किसी न किसी बछड़े में आती है। इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पशु को क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए जिससे हमें बछड़े को इस बीमारी से बचा सके। दोस्तों, ऐसा बछड़ा आपके फार्म में या बाड़े में दिखाई दे तो सबसे पहले उस बछड़े को डीवर्मिंग यानी कि पशु को कीड़े पेट के कीड़े मारने की दवा बछड़े के वजन के हिसाब से देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, ये दवाइयाँ देते वक्त वो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए जिससे हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले। ये दवाइयाँ हमेशा सुबह के टाइम खाली पेट दे जिससे हमें उस दवाई का अच्छा रिजल्ट मिले। ये दवाइयाँ हमेशा सुबह के टाइम खाली पेट दें जिससे पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे और हमारा बछड़ा स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद उस बछड़े को दूसरे दिन लीवर टॉनिक की दवाइयाँ वजन के हिसाब से दें जिससे बछड़े को लीवर पर आ गया जो ट्रेस है वो निकल जाएगा और हमारा बछड़ा स्वस्थ हो जाएगा। साथ में डीवर्मिंग के बाद 4 दिन में पशु को विटामिन ED3 की दवाइयाँ शुरू करें। ये दवाइयाँ देते वक्त याद रहे, ये दवाइयाँ बछड़े के वजन के हिसाब से देनी चाहिए और ये दवाइयाँ कम से कम अगले 5 महीने तक हर रोज देनी है जिससे हमारा बछड़ा कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो जाएगा। ये सब दवाइयाँ देते समय ये जरूर याद रखे कि हमें साथ में बछड़ों को हरा घास, सूखा चारा संतुलित मात्रा में देना है और साथ में हमें भी ये भी याद रखना है कि बछड़ों को अच्छा काफ स्टार्टर देना चाहिए और जो खुराक है वो भी अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए। सुबह के टाइम देंगे तो इसका परिणाम जल्दी हमारे बछड़े के शरीर पर दिखाई देगा। ये सब उपाय योजना हम करेंगे तो हमारे विचार से अगले 2 या 3 महीने में हमारा बछड़ा अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बछड़े की खुराक कौन से महीने में कितनी देनी चाहिए ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें।